कि पॉस्को कोर्ट ने न्यायाधीश मोहम्मद नसीम द्वारा बलात्कार के एक आरोपी को मृत्यु दंड की सजा दी गई। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि हरदोई जिले के सांडी थाना क्षेत्र के एक गांव में 4 वर्ष पूर्व 3 वर्ष की एक मासूम बच्ची के साथ उसी के चाचा द्वारा बलात्कार करने के बाद उसे घायल अवस्था में घर में छोड़कर भाग गया, जिसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट लिखने के बाद उसे गिरफ्तार किया है। मासूम बच्चे की हालत अत्यंत गंभीर होने पर लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सर्जरी कर उसकी जान बचाई गई। आज भी पीड़िता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पॉस्को कोर्ट के सत्र न्यायाधीश ने इसे विरलतम अपराध की श्रेणी में मानकर पीड़िता और उसकी मां के बयान के साक्ष्य के आधार पर मृत्यु दंड की सजा बलात्कारी को दी गई। न्यायाधीश ने कहा कि समाज में इस तरह के अपराधियों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद नसीम द्वारा एक 3 वर्षीय बालिका के साथ जघन्य अपराध अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म किया गया था, जिसमें उसे मृत्युदंड की सजा दी गई है। ये घटना आज से 4 वर्ष पहले जुलाई 2020 की है, जब उस बालिका का सगा चाचा उन्हें बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके रक्त रंजित शरीर को उसके घर पर छोड़कर वो भाग गया। पुलिस के द्वारा भी उसको पकड़ा गया, उसका एनकाउंटर किया गया और तत्पश्चात आरोप पत्र प्रेषित होने के बाद माननीय न्यायालय में साक्ष्य हुआ। पीड़िता ने माननीय न्यायालय में स्वयं गवाही के द्वारा अपने साथ जो घटना घटी उसका बयान दिया, उसकी मां बादिनी जो थी उसने बयान दिया और अन्य साक्षियों के द्वारा पर्याप्त साक्ष्य बयान दिए जाने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा जब पर्याप्त साक्ष्य पाया गया तब उस अभियुक्त को आज मृत्युदंड का दंड दिया गया और माननीय न्यायालय ने माना कि यह विरलतम मामला है समाज में ऐसे व्यक्तियों को जो उस बच्ची के संरक्षक होते हैं उनके द्वारा ही दुष्कर्म किया गया है, इससे जघन्यतम बात और कोई कृत्य नहीं हो सकता है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए माननीय न्यायालय ने उसे मृत्युदंड एवं 1 लाख रुपए का जुर्माना निरूपित किया है।